Hi, today we are going to learn how we can implement boolean function using multiplexer. और multiplexer क्या करता है, बहुत सारे input में से कोई एक input को as a output select करता है based on selection line. तो यहाँ पे ये boolean function given है और आपको 8x1 multiplexer से implement करना है. तो 8x1 multiplexer में I0 to I7 inputs होते हैं और S2, S1, S0 selection lines होती हैं. और इन सिलेक्शन लाइन के कॉम्बिनेशन क्या हैं, जैसे 000 अगर सिलेक्शन लाइन है तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, I0 एज अ आउटपुट, और अगर 001 सिलेक्शन लाइन है तो I1. इस तरीके से आपके ये सिलेक्शन लाइन के इनपुट पे आउटपुट डिसाइड होते हैं. अब यूजिंग बूलियन फंक्शन कैसे करना है, उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाएंगे. तो इम्प्लीमेंटेशन टेबल जो है आपका कुछ इस तरीके से होगा, I0 I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7. तो इस इम्प्लीमेंटेशन टेबल में हमने सारे इनपुट आपने लिख लिए. अब सिलेक्शन लाइन डिसाइड करेगा कि जैसे ABCD यहाँ वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, तो जबकि आपके सिलेक्शन लाइन की कॉम्बिनेशन केवल 3 है, तो 3 सिलेक्शन लाइन पे आपको डिसाइड करने पे पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल बी आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा सी, कौन सा डी, कौन सा ए. तो 3 है तो नॉर्मली जो हमारा ABCD है तो उसमें आपको क्या है, 0 to 15 आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं. तो हमने एज्यूम कर लिया कि I0 ये S2 जो है B को रिप्रेजेंट करता है, ये C को, ये D को, ठीक है. तो ABCD, जब आप ABCD इस तरीके से लिखते हैं तो जैसे 0 के लिए क्या लिखोगे, 000, 1 के लिए 0001. तो अगर आप इन तीनों को देखें तो उसी हिसाब से I0 I1 सेलेक्ट हो रहा है. तो मैंने BCD को S2 S1 S0 एज्यूम कर लिया है और A को मैंने इधर मेंशन कर दे रहा है, A जो है कॉम्प्लीमेंट और ए, जैसे हम के मैप बनाते थे वैसे कुछ बनेगा, बट इसमें हम एक अलग से टेबल बना रहे हैं, ठीक है. मतलब ये कुछ इस तरीके से है ABCD, जिसमें ये 000 है, ये 001 है, 010, ठीक है, और 011, ये 100, 101, 110, 111 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये 0 और 1 को. तो अब इसमें हम जो है मिन टर्म्स हमें कौन कौन से हैं, 0 to 6. तो इसमें 0000 ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 को, ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को, ये 5 को, ये 6 को, ये 7 को, फिर ये 8 9 10 इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा. अगर आप देख लें कॉम्बिनेशन 1 0 0 0, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 8 मिन टर्म्स को. अब इसमें हम फिल कर दे रहे हैं 1, तो 0 पे हमें 1 फिल करना है, 2 पे, 6 पे और 10 पे, 10 जो कहाँ होएगा, 8 9 10, और 11 पे, 12 पे, 13 पे, ठीक है. फिर 3 पे, 3 आपका डोंट केयर है तो यहाँ पे एज अ मिन टर्म ले लेंगे, 8 पे, 8 आपका कहाँ होगा, यहाँ पे, और 14 पे, ठीक है. तो ये आपने टेबल को फिल कर लिया. अब हम इसमें देखते हैं कि I0 एग्जैक्टली ये 21 से रिप्रेजेंट हो रहा है. तो I0 यहाँ पे हम एक ग्रुपिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. और जब ये हम ग्रुपिंग परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A+A0, जो आपका ग्रुपिंग के थ्रू आएगा वो A पे आएगा. तो अगर हम I0 सेलेक्ट होता है और ये ग्रुपिंग परफॉर्म करते हैं तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, A+A0 विच इज 1. यहां से तो बाकी सारे 0 होंगे जो आपके ब्लैंक स्पेसेस हैं. फिर I2 पे यहां पे ग्रुपिंग परफॉर्म करेंगे तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, 1. यहाँ पे I3 पे भी इनपुट पे हमारा क्या मिलेगा, 1. यहाँ पे जो है
यहाँ पे वन नहीं है तो इसलिए ग्रुपिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। और ये किसके इक्विवेलेंट है, ए के, ये पूरा ए है और ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या हो गया ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे भी जीरो। तो अगर आई जीरो को किससे हमें कनेक्ट करना है, वन से, आई वन को जीरो से, तो अभी हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो वन से किसको कनेक्ट करना है, जीरो टू थ्री और सिक्स को, जीरो टू थ्री और सिक्स को, तो इसको हम लिख देते हैं वन, ठीक है, एज वन इनपुट और सिक्स यहाँ है। और जीरो से वन और सेवन को और फोर फाइव और आई जीरो, नहीं, फोर फाइव को आपको कनेक्ट करना है ए से, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीप्लेक्सर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर ये आपका इनपुट इन सारे इनपुट से कनेक्टेड है और सिलेक्शन लाइन बी सी डी है, तो आप जो है आउटपुट ये मिन टर्म्स गेन कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपको कहा जाए कि आपको 4:1 में इम्प्लीमेंट करना है, तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए आपको क्या करना होगा, 4:1 मैक्स मक्स के लिए आपको पता है 8:1 जो है 4:1 में कैसे कन्वर्ट होता है, आप दो 4:1 मल्टीप्लेक्सर लेते हैं, ठीक है, और इसमें जो सिलेक्शन लाइन होती थी वो क्या थी, S1 S0 और इसका जो आउटपुट रहता था वो किससे कनेक्ट होता था, और से, और यहाँ पे एक इनेबल यूज होता था, ठीक है, वो इनेबल क्या, एक नॉट के साथ यहाँ पे यूज होगा, दैट इज इनेबल, ठीक है, बाकी ये इनपुट्स होते थे, फोर इनपुट्स हैं इसमें, तो 0 1 2 3 यहाँ पे और उसके बाद 4 5 6 7 यहाँ पे इनपुट होता था। तो जब इसी क्वेश्चन को आपको 4:1 मल्टीप्लेक्सर में इम्प्लीमेंट करना हो, तो आप 4:1 मल्टीप्लेक्सर आप क्रिएट करो, S1 S0 को आप सी डी ले सकते हो, इनेबल को आप क्या लोगे, बी, ठीक है, इनेबल को आप क्या लेना, बी, और इसको सी डी, ये आपका क्या है, सी डी। तो ये आपका इनेबल और सिलेक्शन लाइन मिन करके ये कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे और आपको ये जो इनपुट्स हैं वो इसी तरीके से कनेक्ट होंगे, ठीक है, कि आप जो है I0 I2 I3 और I6 इसमें वन से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ जो इसे मैंने सेपरेट वन दिखाया है, आप एक चाहे तो एक लाइन करके इन सबको एक एक ही वन दिखा के सबको कनेक्शन शो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बुलियन फंक्शन को यूजिंग मल्टीप्लेक्सर आप बुलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉम्प्लेक्स गेट सर्किट आप डायरेक्ट मल्टीप्लेक्सर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।